तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर यूपी टीईटी नोटिफिकेशन 2021। आज है 6 मार्च 2021 और आज की काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। हमारे जितने भी यूपी टीईटी के छात्र देख रहे हैं आप लोग अंत तक जरूर देखें। सुपर टीईटी की वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट आ रही है। काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे डाउटफुल थे कि सुपर टेट की जो वैकेंसी है आपकी 51,000 पदों की, ये दोस्तों आपकी यूपी टीईटी से पहले हो जाएगी, ठीक है, पहले इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आप सभी के दोस्तों सारे डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगी। लेटेस्ट अपडेट आ रही है यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना पर अपने जितने भी दोस्त हों जो यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास, ठीक है। और अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे से अगर कोई भी बड़ी अपडेट आए यूपी टेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूपी टीईटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर आप सभी तक सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट पहुँचाई जा सके, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बता दें, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर करंटली 7,000 के करीबन मेंबर जो हैं वो जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग आज ही जाके सरकारी जॉब भी दबाए टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता है यहाँ पे यूपी टीईटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप सभी का पड़ा हुआ है सब कहीं, लेकिन हम लोगों ने नोट्स, ठीक है, नोट्स पीडीएफ और आपकी जितनी भी टेस्ट सीरीज़ थी, ठीक है, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ थी सभी तैयार कर ली, सभी अपने टेलीग्राम चैनल पर हम बारी बारी से हम लोग अपलोड करवा रहे हैं, ठीक है। अब आने वाले समय में आप सभी को इसी हफ्ते में जो आपका हफ्ता आ रहा है इसमें दोस्तों आप सभी को काफ़ी कंटेंट यूपी टीईटी एग्ज़ाम 2020 को टारगेट करते हुए हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। आप लोग जरूर जाके सरकारी जॉब दबाए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है हमारे जितने भी टीईटी के कैंडिडेट, आप लोगों को बता दें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के बारे में ये खबर आप भी जानिए, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, ठीक है। तो जितने भी हमारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोगों को बता दें एनसीटीई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा को अब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य करने को लेकर पत्र भेजा है। केंद्र ने नई गाइडलाइन मिलने के बाद झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा अब होगी, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें काफ़ी बड़ी अपडेट है हमारे जितने भी टीईटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए। शिक्षा विभाग के अनुसार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा विभाग के अनुसार एनसीटीई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह परीक्षा अब माध्यमिक और तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी अनिवार्य करने को लेकर जो पत्र भेजा है, ठीक है। साथ ही नई गाइडलाइन जारी करने को लेकर राज्य से कुछ जानकारी अभी मांगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए ही होती थी, ठीक है, हो रही थी, लेकिन अब यह है कक्षा 9 से 12 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता तय करने को लेकर भी होगा, ठीक है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। इसके लिए जहां एनसीटीई को नया रेगुलेशन जारी करना होगा वहीं राज्य सरकार को भी अपनी नियमावली में बदलाव करना होगा। राज्य में यह परीक्षा महज 2 बार 2012 में तो 2016 में हुई थी, ठीक है। तो ये रही आपकी पहली अपडेट। और दूसरी अपडेट हमारे यूपी टीईटी के छात्रों के लिए है, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे उत्तर प्रदेश जो आपकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि यूपी टीईटी को लेकर भी यहाँ पे अपडेटें आना चालू हो गई। दोस्तों लेटेस्ट सबसे बड़ी खबर आप सभी के लिए यही है। पहली बात हम आपका डाउट क्लियर करना चाहेंगे, जितने भी छात्र ये कह रहे थे सर सुपर टेक की वैकेंसी पहले आएगी 51,000 की, तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास ऑफिशियल नोटिस हो तभी आप लोग यकीन माने जी, ठीक है। जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है ना, किसी को भी ये नहीं कहना है कि हमारी जो है सुपर टीईटी की वैकेंसी हमारी इतने इस डेट को आने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी तक ही किसी के पास भी ऑफिशियल नोटिस है ही नहीं, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ऑफिशियल तो कहाँ से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की खबरों को आप लोग ज़्यादा ना फैलाएं, आप लोग पहले अपने यूपी टीईटी की तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों का पहला जो टारगेट होगा वो यूपी टीईटी एग्ज़ाम ही होगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश टीईटी का जो एग्ज़ाम है ये दोस्तों आप सभी का मई या अप्रैल में कंडक्ट कराया जा सकता है, और इसके नोटिफिकेशन रिलेटेड आप सभी को इसी मंथ कोई अपडेट देखने को मिल सकती है।